हे कोरियन जगह व्यूअर्स, दिस इज मेका और आज हम बात करने वाले हैं आइलैंड के सीजन 2 की एपिसोड 3 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ गंगतान इविल एनर्जी के साथ टाउन में घूमता है। सामने एक छोटी बच्ची दिखाई जाती है। गंगतान गिर जाता है। जैसे ही उसे होश आता है उसे बच्ची दिखती है। वो जैसे ही उसे मारने जाता है बच्ची उसे देख के फिर से सो जाती है। गंगतान अपने पैरों पे लड़की के कपड़ों को देखता है। तभी उस लड़की का फादर आता है। वो उसे जबरदस्ती खींच के ले जाता है। जैसे ही वो घर पहुंचती है उसे अपनी मदर मरी हुई दिखती है। फादर बच्ची को मारता है और उसे गालियां भी देता है। तभी बच्ची को चाकू दिखता है। जैसे ही वो उस चाकू को उठाती है फादर हंसते हुए कहता है, तुम मारोगी मुझे? मारना, मारती क्यों नहीं? तभी गंगतान लड़की का हाथ पकड़ के फादर को मार देता है। गंगतान कहता है, तुम्हें इसे मार के रिग्रेट हो रहा है। लड़की मना करती है। गंगतान चाकू निकाल देता है। फादर गिर जाता है। लड़की अपनी मदर के पास जाकर उसके लिए रोती है। बच्ची गंगतान का पीछा करती है। गंगतान उसे चाकू दिखाता है फिर चलता है। बच्ची उसे फॉलो करती है। गंगतान पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की अपना नाम यमजी बताती है। यहाँ बेगजू को वॉन्जोंग के फ्लैशबैक्स याद आते हैं, जिसमें बेगजू पूछती है, तुम जोंगरियोंग से मिलने गई थी क्या? तो क्या तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिले? जोंगरियोंग भी अंदर से उन बच्चों के लिए दर्द में होगा जरूर। तेजांग बुद्धिज्म का एक ही मिशन है, बैरियर बनाना और इस लैंड को प्रोटेक्ट करना। उसने इस काम के लिए गलत रास्ता चुना है, इसलिए तुम उसे ज्यादा ब्लेम मत करो। वॉन्जोंग कहती है, मुझे उनके लिए सॉरी फील होता है। बेगजू कहती है, ये उनकी किस्मत है। वॉन्जोंग कहती है, वो ऐसी किस्मत नहीं चाहते हैं। बेगजू कहती है, उन्हें बंदा देख के तुम्हें अपनी सिचुएशन भी उन जैसी लगती है। वॉन्जोंग इधर आओ। वो बेगजू के गले लगकर रोती है। बेगजू कहती है, मेरी गुड़िया, अगर तुम एक नॉर्मल लड़की की तरह पैदा हुई होती तो तुम्हें बैरियर बनाने के लिए मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं होती, बट यही किस्मत है तुम्हारी जिसे तुम्हें पूरा करना है। वॉन्जोंग कहती है, मैं नहीं जानती कि मेरे पास क्या वाकई में पार है ताकि मैं बैरियर बना सकूं। अगर पार है तो मैं उसे जगाऊं कैसे? कभी कभी मैं विश करती हूं कि मैं अपनी किस्मत ही भूल जाऊं। बेगजू कहती है, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो शायद मैं भी यही चाहती। यहाँ वॉन्जोंग और मी हो बैरियर बनाने की कोशिश करती है। दोनों के प्रैक्टिस के साइमल्टेनियसली फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं। यहाँ वान और मीहो को इविल एनर्जी का एहसास होता है। बेगजू कहती है, एक मिनट, मियो को कुछ अजीब लगता है। बेगजू कहती है, ये एनर्जी। यमजी कहती है, क्या हुआ? जियोवानी और वान दोनों मियो के लिए भागते हैं। यहाँ गंगतान इविल एनर्जी के साथ मियो की तरफ बढ़ता है। मियो को कुछ अजीब सा लगता है। वो एकदम से अपनी एनर्जी रिलीज कर देती है। गंगतान को वही फ्लैशबैक्स याद आते हैं जब उसने वॉन्जोंग की एनर्जी देखी थी। गंगतान गुस्से में कुछ नहीं कर पाता। वो मियो की एनर्जी देख के वापस मुंह बनाकर चला जाता है। मीहो को दर्द होता है। वान मीहो के पास पहुंचता है। गंगतान मीहो की एनर्जी से इफेक्ट होता है। जियोवानी गंगतान को ढूंढने के लिए निकलता है। तभी वो वहां खड़ा होता है जहां गंगतान प्रोटेक्टिव शील्ड के अंदर खड़ा होता है। जियोवानी को एहसास होता है बट उसे वहां कोई भी नहीं दिखता। वान यहां इविल एनर्जी को ढूंढता है। जियोवानी भी वहां पहुंचता है। मीहो अपनी सेंट की एनर्जी में होती है। वान मीहो की तरफ बढ़ता है बट जियोवानी उसे रोक देता है। बट वान फिर भी मीहो की तरफ बढ़ता है। मीहो एक प्रोटेक्टिव बैरियर में होती है। वान अंदर जा नहीं पाता। वो बहुत कोशिश करता है मीहो के पास जाने के लिए, बट मीहो को वॉन्जोंग के फ्लैशबैक्स याद आते हैं। उसे वो सभी मेमोरी याद आती है जब वॉन्जोंग मरी और उसने जो भी वान से प्रॉमिस किया वो भी उसे सब याद आ जाता है। फाइनली मीहो एनर्जी से फ्री होती है। तभी वान उसे पकड़ता है। मियो कहती है, मुझे कुछ फ्लैशबैक्स दिखे। वान कहता है, तुमने अपनी मेमोरी देखी? मियो कहती है, थोड़ी सी। वान पूछता है, क्या देखा? मियो सिर्फ वान को देखती है। गंगतांग जंगल में खड़ा होता है। वो अपना हाथ देखते हुए सोचता है, किस्मत ही खराब है, वो डर अभी भी मेरे अंदर है। वो अपना हाथ काट कर दोल हारूबांग पे रखता है। उसके इविल ब्लड से दोल हारूबांग में क्रैक्स पड़ते हैं और इविल एनर्जी भी निकलती है। बेगजू इविल एनर्जी को देखती है और गिर जाती है। यमजी पूछती है, आप ठीक हो दादी, क्या हुआ? यहाँ वान को इविल एनर्जी का एहसास होता है। इविल एनर्जी सिटी में हर जगह और हर इंसान को टारगेट करते हैं, सभी उन्हें झेलते हैं। बेगजू यहाँ लेटी होती है। वान अंदर आता है।
बेगजू उठ के कहती है, क्या वो गंगतान है? वान एग्री करता है। बेगजू कहती है, वो इविल पर्सन इसलिए बन गया क्योंकि उसके मन में हमारे लिए बहुत गुस्सा था। वान, अब हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, अपना प्यार मत दो उसे। तुम नहीं जानते क्या, जब उसे उसकी सारी मेमोरी वापस याद आ जाएगी, वो वॉन्जम की जिंदगी जिएगी। वान कुछ भी नहीं कह पाता। जैसे ही वान बाहर निकलता है, मियो और जियोवानी दोनों बेगजू की तबीयत के बारे में पूछते हैं। वान बिना कुछ कहे चला जाता है। योम जी सभी को जाने को कहती है। फाइनली सभी मियो के घर पहुंचते हैं। वान शांत रहता है। जियोवानी अपने कमरे में चला जाता है और कान लगाकर सारी बातें सुनने की कोशिश करता है। मियो वान को देखती है। वान कहता है, ट्रेनिंग और टफ होगी, सो यहीं रहो। मियो कहती है, मतलब? वान कहता है, लस्ट डेमन की एनर्जी और बढ़ गई है। मियो कहती है, ये नहीं, तो मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहे हो? वान मियो की तरफ देखते हुए कहता है, हैप्पी, अब मैं कुछ टाइम के लिए यहाँ नहीं आऊँगा क्योंकि मुझे जानना है कि वो इविल एनर्जी कहाँ तक फैली है। मियो कहती है, समझ गई, जो तुम्हें करना है करो। वो ये कहकर गुस्से में चली जाती है। वान बाहर टहलता है, उसे बेगजू की प्यार वाली बात याद आती है। यहाँ जियोवानी वॉन्जुंग की पिक्चर देखता है। गंगतान चलता है, वो अपने हाथ में इविल एनर्जी लेकर चलता है। वो इविल एनर्जी एक इंसान जैसी शक्ल ले लेती है। वान का चाकू शेक करता है। यहाँ सूर्यम जारी होती है। वो इविल एनर्जी सूर्यम से होकर गुजरती है। उस इविल एनर्जी की वजह से सूर्यम जुम्बी बन जाती है। वो वापस लौट जाती है और स्कूल की टेरेस पे पहुँचती है। योमजी भागते उसे बचाने के लिए पहुँचती है। वो उसके लिए रोती हुई आती है। सूर्यम फाइनली टेरेस से कूद जाती है। योमजी उसे देख के रोती है। मियो एकदम से उठती है, उसे कुछ अजीब एहसास होता है। योमजी सूर्यम की डेथ से दर्द में होती है। तभी गंगतान कहता है, मुझे लगता है कि तुम अपने दोस्त को खोने के बाद दर्द में हो। योमजी कहती है, इन सब में सूर्यम ही क्यों? गंगतान कहता है, क्योंकि वो बहुत स्पेशल है। वो उसे तसल्ली देते हुए चलने को कहता है। यहाँ मियो बैठी होती है, वो बाहर देखती है। यहाँ वान लस्ट डेमन को खत्म करता है। दूसरे ही दिन मियो स्कूल के लिए निकलती है। जियोवानी उसके साथ चलने को कहता है। वान साइड में मियो को देखता है। यहाँ मियो और जियोवानी फाइनली स्कूल पहुँचते हैं। बच्चे दिखते हैं और वहाँ बहुत भीड़ लगी होती है। जियोवानी वहाँ देखता है। जैसे ही मियो वो देखने जाती है, जियोवानी उसे रोकता है, बट मियो जबरदस्ती अंदर घुस के सूर्यम की डेड बॉडी देखती है। उसे देखकर वो बहुत शॉक होती है। जियोवानी मियो को संभालता है क्योंकि मियो उसे देखकर चीखती चिल्लाती है। मियो घर में बैठी होती है, उसे सूर्यम की सुसाइड वाली न्यूज दिखती है। जैसे ही वो अपने रूम में पहुंचती है, वहाँ वान बैठा होता है। मियो कहती है, तुम कहाँ थे? सूर्यम मर गई। वान कहता है, मैं जानता हूँ। मियो कहती है, वो ठीक हो गई थी, वो फाइनली हंसना सीख ही रही थी, पर देखो तो सारी गलती मेरी है। वो रो जाती है, मेरा दिमाग खराब हो रहा है क्योंकि मैं इन सब में कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। ऐसी सिचुएशन के बाद अब मैं किसी को खोना भी नहीं चाहती, इसलिए मैंने ये सब स्टार्ट कर दिया। मेरी पार जग क्यों नहीं रही है? हाँ, उस छोटी लड़की को ही क्यों मारना था? मैं सब छोड़ना चाहती हूँ। वान खड़ा होकर कहता है, अगर तुम्हारे लिए ये सब इतना डिफिकल्ट है, चली जाओ। वान के हाथों से ब्लड निकलता है। मियो उसे रोकते हुए कहती है, अगर मैं चली गई तो तुम्हारा क्या? वान स्माइल करके कहता है, तुम भूल गए क्या मैं कौन हूँ? मैं लस्ट डेमन हूँ, जो लस्ट डेमन को मारता है। तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकती। वो अपना हाथ छुटा कर चला जाता है। मियो वहाँ खड़े होकर रोती है। यहाँ सभी बच्चे उस इविल एनर्जी से ज़ॉम्बी बन जाते हैं, जैसे सूर्यम बन गई थी। सभी अपने होश खोने लगते हैं। योमजी जैसे ही मुड़ती है, उसे सूर्यम दिखाई देती है। वो उसे देखकर रो जाती है और वहाँ से चली जाती है। मियो जाती है, जियोवानी उसे रोकते पूछता है, कहाँ जा रही हो? मियो कहती है, सूर्यम सुसाइड कर ही नहीं सकती, इसलिए मैं स्कूल जाकर सीसीटीवी चेक करके प्रूव करूंगी कि उसने सुसाइड नहीं किया। जियोवानी उसे रोकते हुए कहता है, वहाँ अभी डेंजरस है। मियो कहती है, जब भी मैं डर के भागी हूँ, लोग मरे ही है, अब मैं ऐसा नहीं चाहती। मियो फाइनली स्कूल के लिए निकल जाती है। चांग आकर पूछता है, क्या हुआ? जियोवानी सारे सिचुएशन बताता है और स्कूल चलने को कहता है। फाइनली मियो स्कूल पहुँचती है, उसे कुछ अंदेशा होता है। मियो स्कूल में चलती है, तभी इविल एनर्जी उसके अंदर से गुजरती है। मियो चलती है, उसे सेक्रेटरी कांग सूजिन का बॉयफ्रेंड दिखते हैं। वो दोनों मियो को उनकी मौत का जिम्मेदार ठहराते हैं। यहाँ योमजी कहती है, गोसन से ही
कंगतान कहता है गु सन सेई वो है जो लोगों की गलतियां उन्हें याद दिलाता है। यहाँ मीहो गु सन सेई की इविल एनर्जी में होती है, उसे सूर्यम सुसाइड करते हुए देखती है। कंगतान कहता है अगर तुम उस एनर्जी में फंस गए तो तुम इतना स्ट्रगल करोगे जैसे तुम जन्म में जी रहे हो और एंड में तुम खुद को ही खत्म कर लोगे। योमजी कहती है कैसे पॉसिबल है। कंगतान कहता है देखो तो गुन सन सेई करता क्या है। यहाँ मीहो टेरेस पे होती है। जांग और जीवानी मीहो को पकड़ते हैं। योमजी कहती है क्या हम इस बार मिस वॉन को मार देंगे। यहाँ मीहो रोकर कहती है सारी गलती मेरी है, सब मेरी वजह से ही मरे हैं। वो रो जाती है। जांग और जीवानी उसे संभालते हैं और उसे घर ले जा रहे होते हैं। तभी उन्हें बच्चों की आवाज आती है। बच्चे जुम्बी बनकर अपने आप को खत्म करने की कोशिश करते हैं। जीवानी उन सभी बच्चों को बचाने की कोशिश करता है बट सभी बच्चे गु सन सेई की इविल एनर्जी में होते हैं। जीवानी को स्पीकर दिखता है। वो बाहर निकलता है और जांग से कहता है फादर मुझे आपकी जरूरत है। यहाँ बच्चे सुसाइड के लिए बढ़ते हैं। जांग और जीवानी ब्रॉडकास्टिंग रूम में पहुँचते हैं और जांग गॉड की स्टेटमेंट पढ़ना स्टार्ट करता है। मीहो वही बेहोश होती है। जांग जैसे ही स्टेटमेंट और प्रेयर पढ़ता है बच्चे पागल हो जाते हैं। वो बाहर निकलते हैं। उन्हें बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है। जीवानी बच्चों को प्लेग्राउंड की तरफ बढ़ते हुए देखता है। तभी वहाँ वान आकर कहता है ये लस डेमन से बहुत अलग है। वान उसे अपने साथ चलने को कहता है। वान पाइपलाइन जीवानी को देते हुए कहता है तुम एग्जॉस्टिस्ट हो तो ज्यादा मत सोचो। वो फाइनली पाइपलाइन को पकड़ के गॉड को याद करके होली वाटर स्टार्ट करता है। बच्चे उस होली वाटर से भागते हैं। जैसे ही वो वहाँ से चले जाते हैं वान एक प्रोटेक्टिव शील्ड बनाता है ताकि बच्चे बाहर न जा सके। जीवानी अपनी प्रेयर पढ़ता है और तभी सभी बच्चे नॉर्मल हो जाते हैं। यहाँ कंगतान सब देखकर चला जाता है। उसका पूरा प्लान फेल हो जाता है। यहाँ योमजी पूछती है अंकल आपको इतना टाइम क्यों लग गया, क्या हुआ, प्लान सक्सेसफुल हुआ, कुछ कहते क्यों नहीं है। कंगतान बैठ के कहता है तुम्हारी वजह से हमने उसे फंसा दिया। यहाँ मीहो रोकर कहती है मुझे मर जाना चाहिए, सब मेरी वजह से मर गए, आप मुझे भी मार दें। मीहो अभी भी गु सन सेई की इविल एनर्जी में होती है। योमजी कहती है सब मेरी वजह से। कंगतान कहता है तुम्हारी फ्रेंड सूर्यम की वजह से। मीहो सबसे ज्यादा सिर्फ उसी की परवाह करती थी। योमजी कहती है अब आप सब कुछ अपने हिसाब से करो, उल्टे सीधे रास्ते अपनाने से तो बेहतर है, आप उसे डायरेक्ट क्यों नहीं मार देते। कंगतान कहता है क्या बकवास है। योमजी दुख में कहती है दादी वेट कर रही होंगी, मैं चलती हूँ। वो जैसे ही जाती है कंगतान पूछता है और दो लारुबंग कहाँ है। योमजी कहती है मैं नहीं जानती। कंगतान कहता है जल्दी पता करके बताओ नहीं तो मैं दादी से खुद ही पूछ लूंगा अगर तुमने नहीं पूछा तो। योमजी एग्री करके चली जाती है। योमजी घर के लिए निकलती है। उसे बेगजू दिखाई देती है। बेगजू कहती है कहाँ घूम रही थी तुम। योमजी कहती है आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप बाहर क्यों आई। बेगजू कहती है तुम इतनी छोटी सी तो हो, मुझे लगा कोई कहीं तुम्हें उड़ा के न ले जाए। जब तुम मेरे पास आई तुम सिर्फ 13 साल की थी। योमजी कहती है आप एकदम से पुरानी बातें क्यों कर रही हैं। बेगजू कहती है मैं बस सोच रही थी। उसे योमजी के बचपन वाले फ्लैशबैक याद आते हैं जब वो छोटी थी। वो कहती है तुम छोटी जरूर थी पर तुम चालाक और बहुत काम करती थी, तुम्हारी वजह से मैं एक एक मोमेंट अच्छे से जी सकी, मुझे अकेलापन महसूस ही नहीं हुआ। योमजी कहती है क्या हो गया है आपको, आप ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हो। बेगजू कहती है मुझे बहुत बुरा सपना आया, मैं बस तुम्हें तुम्हारी खुशबू ढूंढवाना चाहती थी। आई नो कि तुम अपनी खुशबू छोड़ दोगी। योमजी कहती है वाकई में बहुत बुरा सपना था, चलो मुझे भूख लग रही है। बेगजू कहती है ठीक है तुम जहाँ भी जाओ वापस जरूर आना, बस मैं यही चाहती हूँ। योमजी मुड़ के देखती है। तभी एपिसोड एंड होता है। Hey viewers, if you like this video, please like, share and subscribe this channel. Thank you.